परिया और अंकिता में हुआ झगड़ा। एक ही रूम में रहकर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं लफड़ा। मैटर कुछ ऐसा था, अंकिता ने सौरिया से कुछ बोला। सौरिया ने उसकी बातों को ऊंची आवाज में जवाब दिया। इतने में अंकिता को उसकी बातें बुरी लग जाती है, तभी अंकिता भी भड़क जाती है। फिर उसके बाद कुछ ही पल में अंकिता खुद को महान इंसान समझते हुए सौरिया से माफी मांगती है। अंकिता कहती है कि हम लोग एक ही रूम में रहते हैं और हम लोग का बेड भी सामने सामने है, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ गड़बड़ हो। तो सौरिया वहाँ पे बोलती है कि मैं भी नहीं चाहती यहाँ पे बिग बॉस के हाउस में मेरे साथ भी किसी का गड़बड़ हो। अंकिता कहती है वो तो आगे की चीज है, अपन देखेंगे कि आगे क्या करना है। फिर ऐश्वर्या कहती है कि यहाँ पे बिग बॉस में मैं झगड़ा करके ना अपना गेम खेलने नहीं आई हूँ। तो अंकिता कहती है कि यहाँ पे कोई भी झगड़ा करके गेम खेलने नहीं आया है। दोनों आपस में सॉरी बोलकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं, उस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कट्टू वहीं से अंकिता बाहर जाती है और अपने हस्बैंड विकी को और ईशा के सामने कहती है कि ऐसा ऐसा उसके बारे में बुरा वाला कहने लग जाती है। बात तब वहाँ पे आता है ना कि जैसे कि आप वहाँ पे सॉरी बोल चुके हो, गले लग चुके हो, वहाँ पे मैटर ख़त्म हो गया है, मिट्टी डाल चुके हो उन बातों पे, तो फिर उन बातों को मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत, अपने हस्बैंड के पास आकर जाके बोलने की क्या ज़रूरत। ठीक है, तो यहीं पर डबल स्टैंडर्ड गेम लग रहा है अंकिता का। अब पता नहीं अब आगे देखने मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर